गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम सीनरी बना रहे हैं। देखो मैंने ये सीनरी ड्रॉ की हुई है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इस सीनरी को बनाने के लिए मैंने 3 कलर यूज़ करने हैं। एक्रेलिक्स कलर हैं ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इन 3 कलर से हम अपनी सीनरी को तैयार करेंगे। इसके लिए हमें हार्ड ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा हार्ड ब्रश है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर लेंगे। ऑरेंज कलर मैंने लिया है और मैं बीच में ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ ऐसे करके। इसमें हमें पानी का यूज़ भी करना है। इसमें हम इन 3 कलर को मिक्स करेंगे। ऑरेंज के बाद हम इसमें वाइट कलर यूज़ करेंगे और हमको ये मिक्स करना है। तीसरा कलर ब्लैक हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा कलर हो चुका है। इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद हम ट्री बनाएंगे। हमें ब्लैक कलर का यूज़ करना है। हमने पॉइंट वाला ब्रश लिया, उसमें ब्लैक कलर लिया और हमने ट्री बनाना स्टार्ट किया। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर से अभी गीला है, तो इसको सूखने का वेट करते हैं। तो हम नीचे का पिक्चर तैयार करते हैं। हमें नीचे ग्रास करनी है, ग्रास बनानी है, ठीक है। इसको हम ब्रश पॉइंट ब्रश से ब्लैक पेंट लेके इसको ऐसे हम इसको ग्रास बनाएंगे। ये देखिए हमारी घास भी बन गई है। अब हम इसमें वाइट कलर से मून बनाएंगे। ये देखो मैंने एक सर्कल दिख रहा है आपको, इसको मैंने वाइट कलर से भरना है। पहले आउटलाइनिंग कर देंगे, उसके बाद हम इसको पूरा वाइट से भर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें वाइट कलर कर दिया है। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे और बहुत पॉइंट वाले ब्रश से करेंगे, क्योंकि ये बाहर नहीं आना चाहिए, एकदम सर्कल में होना चाहिए। ये सीनरी बहुत इजी और बहुत सिंपल है, ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। देखो बच्चों ये पिक्चर जो ऊपर से थोड़ा गीला दिख रहा है अभी, आप इसमें कलर गीले में नहीं करेंगे। इसको पूरा सूखने के बाद आप इसमें ऊपर की जो भी आपको पेंटिंग करनी है, जो भी चीज़ आपको बनानी है, जैसे कि पेड़, पक्षी, तो ये सूखने के बाद ही हम बनाएंगे, ठीक है। अभी मेरा ये ऊपर वाला पेंट सूखा नहीं है, इसीलिए हम जब तक इसमें जो मैंने बर्ड बनाई है वो मैं बना लेती हूँ। देखो हम इसमें पेन का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास निब पेन है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ब्लैक कलर से करना है, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये सूखना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको बनाएंगे। देखिए हमारी नीचे की जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो गई है और बस इसमें ट्री बनाना है। अभी मेरा पेपर सूख गया है, अब हम इसमें ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा गीला कलर भी नहीं लेंगे और ज़्यादा डार्क भी नहीं लेंगे।